Jai Hind, my future brothers officer. I'm back with another video, right? In this video, I'll let you know that your FSB dates are out of all groups. Earlier, it was only group 1, group 2. Now, they, released all the group, right, till 12. And ho sakta hai ki future mein aur bhi groups hain, agar honge to, mere kaise, I don't think so, that would be. So, ye jayenge total April tak. February, March, April. Right? So, practice well. Right? Start grinding. Okay? And the next thing is that, don't miss any document. Agar aap document, मतलब वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको, बिना वहाँ एक भी डॉक्यूमेंट मिस मत कर देना, तो दिल की क्यों ऑटोमेटिकली. ओके, वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी जो आपने देखा होगा एक नया सिस्टम भी आ रहा है, सो वी डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन दैट, वेयर वी हैव टू क्वालिफाई रिटर्न. सो दिस इज लास्ट अटेम्प्ट, आई सपोज, लाइक फ्री एंट्री, पीपल कॉल इट फ्री एंट्री, बट इट्स नॉट अ फकिंग फ्री एंट्री, इट्स नॉट अ फ्री एंट्री, राइट? यू हैव हैवी प्राइस फॉर दैट. योर परसेंटेज शुड बी अबव 60 टू गेट इन टू कट ऑफ, गो फॉर द OIR, PPDT एंड हेल ऑफ प्रोसेस, राइट? So things doesn't come for free. You have to pay a heavy price for that, and that's one of them. Okay. And the next thing is that, bloody, just get your ass up. It doesn't matter that your, this thing is after, you say, April mein hai, March mein hai, mere paas bhi kaafi time hai. No, you don't have a fucking time. Right? Ye mat socho mere paas time hai to bahut kaafi nahi hai. Kisi ke paas time nahi hota hai. You need to start working from now. डेली टॉपिक रेडी करो, एक टॉपिक को रेडी करो एंड प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए, ठीक है? हो जाएगा, रॉकेट साइंस नहीं है. मैं कह रहा हूँ अगर आप जियोग्राफी, जो उसमें हिस्ट्री जियोग्राफी जीके वीके दी हुई है ना, वो तो आपको वैसे भी पढ़नी भाई. अभी जैसे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, वो आपको तब भी पढ़नी है, उसके बिना नहीं होगा. अब रिटन टेस्ट भी हो रहा है ना उसके लिए, तो आपको वो चीज़ें वैसे भी पढ़नी है अपने प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू में देने के लिए. इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो दैट इज रिक्वायर्ड. That is the main purpose, because some people are not able to answer some basic questions. It happens, okay, it happens, because it's never needed, so why we need to study that, right? But that's a demand of a service now, so you have to be on your toes, okay? And the next thing is that, वो आप पढ़ोगे तो वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, आपको कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, नहीं, लास्ट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, देन गो फॉर इट. वो डेफिनेटली चीज़ें होंगी जो सिलेबस दिया हुआ उन्होंने, जो कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे बना हुआ है, अभी अब रिटर्न होगा, जैसे FCAT होता है, INET होता है, तो इनका भी एक कोस्ट गार्ड का अपना एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर असिस्टेंट कमांडेंट. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल, ठीक है? अपने ग्रुप में जाके नाम देख लो, कहाँ आपका नाम आया, कहाँ नहीं आया. सो एज पर दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ओके, एंड वॉट एल्स, प्लीज ज्वाइन अवर ग्रुप डिस्कशन सेशन. वी आर स्टार्टिंग कंडक्टिंग अवर ग्रुप डिस्कशन सेशन, एंड आप PVDT के सेशन भी ज्वाइन करो. हो सकता है अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो जो FSB वाले पढ़े, थोड़ा सा चेंज है FSB में भी, GTO एंड ऑल में, बाद बाकी सब कुछ सेम, राइट गाइज? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग. ओके, चलो, जय हिंद, जय भारत. So guys, let me tell you that how you can download your groups, right? joinindiancast.nic.in में जाएंगे आप, ठीक है? ये वेबसाइट है joinindiancoastguard.government.nic.in, जो भी .in का है, ओके? फिर यहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं, सिंपल यहाँ जाओगे, राइट? FSB ग्रुप लिस्ट ऑफ 1 एंड 12, देन यू विल क्लिक हियर, ओके? फिर नीचे आप जाओगे, देन यू कैन फाइंड वॉट योर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, अब सारे ग्रुप डाल दिए अप टू 12, ओके? So you need to just, listen, example, I'm clicking group 7. Okay, chalo, group 7 ko humne click kiya. To isme aapka kya diya hua hai? Place of reporting di hui hai. Coast Guard Selection Board, ye sector 62 mein hai. Theek hai? Uttar Pradesh, Noida mein. Yahan pe apne PSB diya tha, apne jo Delhi ke hai especially. So the following candidates are enlisted for the final selection board of Assistant Commander 2022 batch, group 7. Okay? So, ये आपका नाम लिखा है, कैडर लिखा हुआ है, OG, एंड देन रोल नंबर लिखा हुआ है, देन जैसे स्प्रीत सिंह बजाज, ओके, दिस पर्सन, हाँ, दिस पर्सन रिसेंटली क्लियर्ड हिज, व्हाट यू कॉल, PSB, ओके, ही जस्ट टेक्स्टेड मी, ओके, सो ये बच्चे हैं सारे, और ये आपका है, देखो, ऑल कैंडिडेट्स हैविंग द CGPA, CPI शुड बी ब्रिंग परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी, विदाउट कन्वर्जन फॉर्मूला यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन FSB. एक मिलेगा आपको, एक फॉर्मेट रहता है, वो आपको यूनिवर्सिटी देगी कन्वर्जन का. क्या होता है, जैसे आपके 10th में जो KV से पढ़े होंगे, जो CBSE बोर्ड के बच्चे होंगे, उनके पास वो चीज़ मतलब ऑलरेडी होती है, जैसे कि उनके पीछे डिग्री पे लिखा होता है कि कन्वर्जन आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका परसेंटेज इतना बन जाएगा, राइट? तो आप कन्वर्जन फॉर्मूला का भी लेके जाओगे. कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ आइदर ऑफ द कोविड नेगेटिव लैब
रिपोर्ट फ्रॉम एन ICMR क्रेडिट लेबोरेटरी रिपोर्ट साइंड विद 72 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग और डबल डोज मुझे जैसे आपका PSB का था सेम सिस्टम यहाँ हो ठीक है हिस्ट्री आप पढ़ लेना इसमें कुछ खास है नहीं यू आर रिक्वायर्ड रिपोर्ट एट द मेन गेट ऑफ CGSP नोएडा एज पर द टाइम एंड द डेट मेंशन मेट्रो आती है तो मेट्रो से आप सीधे जाके कर सकते हो एक ठीक है मैं भी कनेक्टिविटी बता दूंगा अगर आप कहाँ कहाँ से आते हो आई लेट यू नो दैट थिंग ऑल्सो ओके मेरा प्लान नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनाने का बट ठीक है आप घुसी गए तो ठीक से बनाइए थे इसको ठीक है इस सो अप्रोच एट नोएडा डिस्टेंस फ्रॉम CGSP बाई एयर आपकी डिस्टेंस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम नोएडा ठीक है ये टैक्सी आप ले सकते हो DTC बस एंड एयरपोर्ट मेट्रो इज अवेलेबल फ्रॉम द एयरपोर्ट फिर बाई रेल जा सकते हो नोएडा हैज अ मेजर रेलवे स्टेशन इन विसिनिटी विच आर कनेक्टेड बाई ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री ठीक है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हो बस का रूट हो गया इंपॉर्टेंट इंटरस्टेट बस टर्मिनस आर सिचुएटेड एट द आनंद विहार 8 किलोमीटर नियर आनंद विहार कश्मीरी गेट ये सारे बस स्टेशन के मतलब कनेक्टिविटी दी हुई है ठीक है नोएडा इज वेल कनेक्टेड बाय द मेट्रो एंड DTC बसेस दो बसेस मतलब मेट्रो से भी है बसेस से भी है और ट्रेन से भी है ठीक है मेट्रो ये मतलब मेन ट्रेन को बताऊँ तो DCC बस रूट्स आर गिवन रूट्स आपको इसमें दे दिए जाएंगे आप उसको खोल के अपने हिसाब से देख लेना ठीक है द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन फ्रॉम द सिलेक्शन बोर्ड इज नोएडा सेक्टर 62 ऑन द ब्लू लाइन मेट्रो रूट मतलब ब्लू लाइन का मेट्रो रूट है वो है जो सेक्टर 62 का ठीक है तो ये आपका इतना मैंने आपको बता दिया आपको कैसे पहुंचना है ठीक है फाइंड द बस नंबर फाइंड द टू स्टॉप जो आपका डेस्टिनेशन है मान लो आप जा रहे हो ओल्ड दिल्ली से वन सेकेंड ओल्ड दिल्ली ओके ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप जाओगे नोएडा सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी का ठीक है आप फाइंड रूट करोगे तो ये बस नंबर है जो जो वहां से जाती है 403 492 ठीक है फिर चेंज ओवर करना है आपको आश्रम से 400 405 A में देन 492 देन 409 ये काफी पेनफुल है यार लेट्स जस्ट गो विद द यू नो व्हाट यू कॉल इट मेट्रो ओके सो DTC का रूट बता दिया मैंने आपको तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैप दिखा दे रहा हूँ ठीक है ओके सो अभी हम जाएंगे सबसे पहले वेयर हम जाते हैं अभी ओल्ड दिल्ली मेट्रो स्टेशन सॉरी ओनली मेट्रो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन मतलब एक बताना मतलब स्टेशन आप टाइप कर लोगे तो पहुंच जाओगे ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं ठीक है ये आपका मेट्रो स्टेशन हो गया ओल्ड दिल्ली वाला ठीक है अब इस ओल्ड मेट्रो अब आपका डेस्टिनेशन कहाँ है लेट मी गिव यू डेस्टिनेशन हियर इसको रिवर्स करो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ओल्ड दिल्ली तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा नोएडा डाल दो इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर ओके वन सेकंड पुराना वाला नहीं होना चाहिए आई सपोज दिस इज नया वाला ये सेक्टर 62 में ठीक है दिस इज अ थिंग तो ये आपका सीन है आई विल टेल यू व्हाई व्हाट यू हैव टू डू हियर जैसे आपका ये मेट्रो लाइन्स हैं आपकी ठीक है ये दिमाग में रखना ठीक है ये सारी आपकी मेट्रो लाइन्स हैं कश्मीरी गेट पे भी मेट्रो लाइन जा रही है रेड लाइन है ये मेट्रो लाइन रेड लाइन जा रही है कश्मीरी गेट से जो जाती है ओल्ड रेलवे स्टेशन से येलो लाइन भी ये येलो लाइन है ठीक है जैसे मान लो आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे हो ठीक है तो आप देखो नोएडा सेक्टर 60 में ब्लू लाइन दिख रही है ये देखोगे ना बड़ा जूम करोगे ना इसको ये आपकी ब्लू मेट्रो लाइन है तो ब्लू लाइन इज अब काफी क्लोजेस्ट लाइन पड़ेगी आपकी ना कि आपकी ये वाली आप ये कौन सी लाइन है ये पिंक लाइन से आओगे ब्लू वुड बी बेटर ऑप्शन आई विल रिकमेंड यू दैट ठीक है तो देखो ये ब्लू लाइन गई है तो आप क्या है कहाँ से मान लो आप बैठोगे कहाँ गया दिल्ली रेलवे स्टेशन हाँ ये ओल्ड दिल्ली स्टेशन ये है ना ठीक है जो भी है यही है ओल्ड दिल्ली ठीक है तो आपने वॉयलेट लाइन पकड़ लेनी है ठीक है वॉयलेट लाइन पकड़ोगे तो ये वॉयलेट लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है आप यहीं क्रॉस करेगी कहीं मजेंटा लाइन पे जाके हॉस खास के पास कहीं क्रॉस करेगी जहाँ भी है मतलब आप देख लेना अपना रूट इतना तो दिमाग होगा आपने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने ये पढ़ी है ब्लू लाइन की जो नई दिल्ली से आ रहा है नहीं तो आप पिंक लाइन रेड लाइन लेने से मतलब नहीं रेड लाइन तो ऊपर जा रही है नो इश्यूज तो यहाँ क्रॉस कर रही है ना जैसे ये लाइन सीधी ब्लू आ रही है ये वाली ठीक है ये लाइन आ रही है कहाँ से आ रही है ब्लू लाइन ठीक है ये ब्लू लाइन जैसे आ रही है 62 जा रही है ठीक है यहाँ क्रॉस कर रही होंगी काफ़ी पिंक लाइन भी क्रॉस कर रही है ब्लू लाइन पे हाँ कर रही है पिंक लाइन भी क्रॉस कर रही है फिर येलो लाइन भी क्रॉस करेगी आपकी कहीं ना कहीं पिंक पे मजेंटा लाइन पे मजेंटा लाइन क्या है स्पेशली एयरपोर्ट से आती है मजेंटा लाइन
एयरपोर्ट ये रहा देखो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो देन दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। मजेंटा लाइन लीजिए आप, फिर आपको मजेंटा लाइन लेके कहाँ पे उतरना है, यहाँ आपका चेंज होगा, यहाँ पे मजेंटा लाइन जहाँ खत्म होती है मेरे ख्याल से बोटानिकल गार्डन होगा, ओके बोटानिक गार्डन फॉर इंडियन रिपब्लिक, तो यहाँ से आप चेंज करके सीधे सेक्टर 62 में जाके आराम से जा सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी जगह यहाँ से वॉक करके जा सकते हो यार, रेडी हो गए फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, तो वॉक करना ही करना है आप, यू शुड गो फॉर दैट, ओके। एंड व्हाट एल्स वी हैव हियर, एयरपोर्ट हो गया, बस हो गया, बाकी स्टेट से आ रहे हो कर लोगे, इज नॉट अ रॉकेट साइंस, साउथ वाले बच्चे हैं, नो वरीज, आप एयरपोर्ट से आओगे तो सीधा आप यू नो मजेंटा लाइन पकड़ोगे, मजेंटा लाइन से सीधे बोटानिकल गार्डन जाओगे, बोटानिकल गार्डन से सीधा आप सेक्टर 62 के लिए जाओगे, ठीक है। पहले ये देख लेना कि पास बन रहा है, मतलब क्या बोलते हैं अभी क्वाइन चल रहा है नहीं चल रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, ठीक है, वो जो दिल्ली में है वो बता देंगे आपको, आप ग्रुप में है उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, नाउ वी हैव टू गो बैक टू अवर ग्रुप। तो नाउ टेस्टिंग, टेस्टिंग ड्यूरेशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन बोर्ड इज ऑफ 5 days, 5 दिन का होगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग डे ऑफ अराइवल, उसको छोड़ के। टेस्टिंग कंप्राइज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। द ग्रुप टास्क एंड द इंटरव्यू शेड्यूल विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। द शेड्यूल ऑफ द डे विल बी इंटीमेटेड एट 8:00 to 8:30 hours एवरी डे, ठीक है, आपको 8:30 बजे मॉर्निंग में जो भी होगा सब बता दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ऑन द फाइनल डे ऑफ द FSB आफ्टर विच रिजल्ट विल बी अनाउंस। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, सब बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है, ठीक है, बस खाने पीने का कुछ पे करना पड़ेगा आपको, कुछ एडवांस। डिसिप्लिन रिलेट्स टू अलाइट विद द रिपोर्ट टू द मेन गेट, नो व्हीकल्स विल परमिटेड इनसाइड द, ये पढ़ लेना है सब, ये सब बेसिक थिंग है, इसमें मैं क्या बताऊँ। फोटोग्राफी ऑफ एनी एरिया विद CGSP कॉम्प्लेक्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो ध्यान रखें मोबाइल फोन लेके अंदर ना जाए आप। इंटरेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इज नॉट परमिटेड विद द सर्विस, मतलब आप नो कुछ बात बात करने की ज्यादा कोशिश करो, अवॉइड करो। एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबव ऑर्डर्स और एनी एक्ट ऑफ इंडिसिप्लिन विल बी इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट्स और डिसिप्लिन काउंट्स, ठीक है। मोबाइल फोन नहीं है, कैश इन वैल्यूएबल अपने दिमाग, वही सब SSB वाले सिस्टम है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता दे रहा हूँ आपको ठीक से एक बार, ठीक है। मार्टिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो आपने वहाँ दिए वो सारे आपको ओरिजिनल में चाहिए। ओरिजिनल या प्रोविजनल डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर कैंडिडेट्स कंप्लीट देयर डिग्री इन 2020 एंड 2021 शुड बी इन पोजीशन ऑफ द प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री प्रायर टू 2019 डिग्री सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी शुड ब्रिंग द ओरिजिनल नॉन इशूइंग सर्टिफिकेट फॉर्मेट अवेलेबल एंड सो एंड सो। देखो यार सिंपल है, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल है या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ओके लेके जा रही है अभी, जैसे जिसकी 2020-2021 में कंप्लीट हुई है ना, शुड बी इन अ पोर्शन ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री तो मिली गई होगी तो मैं 20 या 21 में तुम्हारी डिग्री होगी तो, ठीक है, यू शुड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर डिग्री प्रायर 2019 से पहले जिसने कर रखी है शुड बी इन पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल डिग्री इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, इन केस द डिग्री सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी शुड ब्रिंग द ओरिजिनल नॉन इशूइंग सर्टिफिकेट, ओके। फॉर्मेट दिया होगा वेबसाइट पे, फिर CPL दिल्ली वैलिडेट बाय DGS जो CPL एंट्री के लिए हैं लोग, फिर SC ST हो गया, OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स ओनली विल बी वैलिड, उसका जो फॉर्मेट दिया वही होगा, यानी कि यू नो सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए आप ले जाते हैं जैसे किसी इंस्टीट्यूट में मांगते हैं उस तरीके से। EWS वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इन केस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड फॉर हायर स्टडीज जॉब्स यू मे टू ब्रिंग द ओरिजिनल बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट एट पेज नंबर 10 ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑन ओरिजिनल लेटर हेड साइंड बाय द प्रिंसिपल, जो भी है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, लेटर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, पढ़ लेना किस किस से चाहिए। रिस्क नैन नो क्लेम सर्टिफिकेट पर द पेज नंबर, NCCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10 copies ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ई एडमिट कार्ड लेके जाना है, अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट स्पेशली मेंशन एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन PSB, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, ये पढ़ लेना आपको, जो पहली बार जा रहे हो बता देंगे सबको, टेंशन करने वाली बात नहीं है। और सर्विस पर्सनल ध्यान से सुनिए, NOC लेके आना है आपको, यू हैव टू गो थ्रू दैट थिंग, ओके। ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आता है फॉर अ मोमेंट, फॉर्मल ड्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल रेडी, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट यू शुड गो विद अ टाई एंड अ फॉर्मल ड्रेस, राइट। एंड व्हाट एल्स वी हैव हियर, ओके, द इंटरव्यू एंड द साइकोलॉजिकल, व्हाइट PT ड्रेस, स्पोर्ट शूज, व्हाइट सॉक्स, व्हाइट टी शर्ट विद कॉलर एंड व्हाइट शॉर्ट्स, फीमेल में ब्रिंग द व्हाइट ट्रैक सूट एज अप्रोप्रिएट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप टास्क, ओके, ठीक है। तो आपको व्हाइट PT ड्रेस लेके जानी है, वहाँ हो सकता है कि आपका GTO स्टार्ट हो जाएगा, ग्राउंड में बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ग्राउंड्स रेडी हैं, तो ग्राउंड में जो ऑब्स्टिकल जो भी चीज़ें हैं वो रेडी हो रखी हैं, बट आई कांट से दैट कि वहाँ कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट। फिजिकल फिटनेस पे काम करो, ओके, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा क्लियर करने के बाद, 1 week 2 week जो भी है, COVID-19 की इंस्ट्रक्शन, डबल डोज सर्टिफिकेट, ओके, नो इशूज,
allowed to leave the SCSB. Okay, required change in date of SCSB is not permitted. Likha hai that Indian Coast Guard reserve the right to cancel the candidature for any candidate not found eligible due to educational qualification or not having correct caste certificate or not fulfilling the other eligibility criteria during subsequent scrutiny verification of antecedents. Okay, so telephone hai, ye number diye hue hai, website diye rakhi hai, to right, you guys need to send any, dekho change ho sakta hai, ke kuch bachche bata rahe hain reporting us din ko di hai, theek hai na, jaise koi CDS ka kisi mere paas abhi aaya tha message, right, so can't say anything on that, aap mail kar do, nahi to kya hai, ek din thoda aage piche request ke, nahi to next group mein report kar dena, kuch bhi ho sakta hai, okay, no issues guys, okay, and what else I would like to tell you guys, that's all. And you can download all your group here, group 1, group 2, group 3, group 4. अपना ग्रैंड रेडी रखो, मेहनत करो अपने ऊपर, ठीक है, और ग्रुप बढ़ सकते हैं, इनका नाम नहीं आया है, ओके, सो नो वरीज, सो आई शुड टेक अ लीव नाउ गाइस, चलो टेक केयर, जय हिंद जय भारत.